वेलकम टू इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। कहानी आगे बढ़ाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसका गठन 1885 में एवं ह्यूम द्वारा एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के द्वारा किया गया, जिसमें भारत के कुछ पढ़े लिखे सांभ्रांत वर्ग के वकील और अन्य पेशेवर लोग भी शामिल थे। शुरुआती उपलब्धियों के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण मांगे उठाई, जिसमें प्रमुखता से थी जैसे सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। जी हाँ, सिविल सेवाओं में अंग्रेज अधिकारियों को वरीयता मिलने को भी कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम से स्वतंत्र किया जाए, ये भी एक मुद्दा बना। नौकरशाही के अत्याचार, अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों के अधिकार और भारतीय खजाने का उपयोग करके अफगानिस्तान, बर्मा आदि में चल रहे युद्धों के खिलाफ भी कांग्रेस ने एक आवाज बुलंद की। इसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्य और जनता के अधिकार इस आंदोलन के एक अभिन्न अंग बन गए। ये थी बात 1885 में गठित राष्ट्रीय आंदोलन वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आज की कांग्रेस के बिल्कुल नहीं, ऐसे और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।